लेट्स डिस्कस एप्लीकेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन। देखिए बफर सॉल्यूशन के बहुत सारे पोटेंशियल एप्लीकेशंस हमारे पास एक्सप्लेन करने के लिए है। सो डेली रूटीन में हम जाने अनजाने में बहुत सारे एरियाज में बफर सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। सो लेट्स फाइंड सम ऑफ द एप्लीकेशंस। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हम देखेंगे इन बायोकेमिकल सिस्टम। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ह्यूमन ब्लड। अब ह्यूमन ब्लड का जो पीएच होता है वो मेंटेन किया जाता है इन बिटवीन 7.36 टू 7.42। इस रेंज में ह्यूमन ब्लड का पीएच होता है, याद रखें। सो पीएच ऑफ ब्लड इज मेंटेन्ड एट 7.36 टू 7.42। अब ये मेंटेनेंस किस वजह से होता है? ड्यू टू HCO3- एंड H2CO3 बफर। इस बफर के वजह से मेंटेन होता है, याद रखना। अब ब्लड के पीएच में थोड़ा भी चेंज आ जाए तो दैट कॉजेस डेथ, याद रखना। सो मियर चेंज इन पीएच ऑफ ब्लड कॉजेस डेथ। ये इतना सीरियस मैटर है। देखिए थोड़ा भी अगर पीएच में बदलाव आ जाए तो इंसान की डेथ हो सकती है। तो हमारा पीएच ब्लड का, जैसे हम डेली रूटीन में हर चीज का खाना खाते हैं, कुछ कुछ एसिडिक होते हैं, कुछ कुछ हम बेसिक सब्सटेंसेस भी खाते हैं, लेकिन हमारे ब्लड का पीएच जो है वो इसी रेंज में मेंटेन रहता है। वो मेंटेन करने का काम इस बफर का होता है। सो बफर एक्शन के वजह से ब्लड का पीएच चेंज नहीं होता है। उसके बाद सेकेंड एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। याद रखें जैसे हमारा देश है भारत, कृषि प्रधान देश है, यानी हमारा बहुत सारी पब्लिक जो है वो खेती पे निर्भर करती है। तो याद रखना सॉइल जो है वो ऑफन बफर्ड होता है। इसके पीछे का रहस्य, उस सॉइल में जो भी सॉल्ट्स प्रेजेंट है लाइक कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, सल्फेट्स, फॉस्फेट्स एटसेट्रा, दीज आर द सॉल्ट्स प्रेजेंट इन द सॉइल, दैट्स वाई सॉइल गेट ऑफन बफर्ड। सो याद रखे सॉइल गेट बफर्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट्स लाइक, अब इसमें हम लोग बोल सकते हैं कार्बोनेट, उसके बाद बाइकार्बोनेट, उसके बाद फॉस्फेट, सल्फेट एटसेट्रा। अब एखादे सॉइल में हमें फर्टिलाइजर को यूज करना है तो हमें सबसे पहले सॉइल का पीएच टेस्ट करना होगा और उसके आधार पर ही हम चूज करेंगे कि कौन सा फर्टिलाइजर हम यूज करने वाले हैं। सो चॉइस ऑफ फर्टिलाइजर डिपेंड्स अपॉन द पीएच ऑफ सॉइल। अगर मान के चलो आपने सॉइल का पीएच टेस्ट ना किया और कोई भी फर्टिलाइजर यूज कर दिए तो इफेक्ट नहीं आएगा। उसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन इज इन इंडस्ट्री। देखो इंडस्ट्री में बड़े तौर पे हम लोग बफर का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे एरियाज है जैसे कि इन पेपर इंडस्ट्री, डाई इंडस्ट्री, इंक इंडस्ट्री, याद रखना इन पेपर, उसके बाद डाई, इंक, उसके बाद पेंट, ड्रग,
इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज बफर सॉल्यूशंस, बफर सॉल्यूशंस आर एक्सटेंसिवली यूज्ड। बफर सॉल्यूशन बड़े तौर पे इन इंडस्ट्रीज में हम लोग यूज करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है मेडिसिन्स, मेडिसिन्स, मेडिसिन प्रोडक्शन के वक्त एक चीज याद रखना, बहुत सारे ऐसे मेडिसिन्स होते हैं जिनको कंट्रोल्ड पीएच में ही प्रोड्यूस किया जाता है। जैसे कि पीएच अगर बदल गया तो हो सकता है वो मेडिसिन काम ना करे, तो इसलिए मोस्ट ऑफ द फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस आर डन इन अ फिक्स्ड और स्पेसिफिक रेंज ऑफ पीएच। अब उस पीएच को आप मेंटेन कैसे करोगे? दैट पीएच वैल्यू इज मेंटेन्ड बाय यूजिंग बफर सॉल्यूशन। सो याद रखें, मोस्ट ऑफ द ड्रग्स आर प्रिपेयर्ड इन द स्पेसिफिक, इन द स्पेसिफिक पीएच रेंज विच इज मेंटेन्ड बाय बफर, विच इज मेंटेन्ड यानी पीएच को हम मेंटेन करते हैं बाय यूजिंग, मेंटेन्ड बाय यूजिंग बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन को यूज करके हम वो मेंटेन करते हैं। अब बात करेंगे पेनिसिलिन की। पेनिसिलिन जो है वो एंटीबायोटिक है, उसका प्रिपरेशन स्टेबिलाइज करने के लिए हम सोडियम साइट्रेट को उसमें ऐड करते हैं एज ए बफर। सोडियम साइट्रेट विल नॉट अलाउ द पीएच टू चेंज और पेनिसिलिन प्रिपरेशन स्टेबिलाइज किया जाता है। सो प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ऑफ पेनिसिलिन, ऑफ पेनिसिलिन इज स्टेबिलाइज्ड बाय एडिंग सोडियम साइट्रेट, सोडियम साइट्रेट एज अ बफर। तो ये है मेडिसिन्स में। उसके बाद एनालिटिकल केमिस्ट्री में भी एप्लीकेशन हम देख सकते हैं। सो इन एनालिटिकल केमिस्ट्री, इन एनालिटिकल केमिस्ट्री देखो, क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि एखादा स्पेसिफिक ग्रुप उसमें है या नहीं उसे प्रेडिक्ट करना। देखो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम क्वांटिटी को लेके पजेसिव होते हैं। सो इन क्वालिटेटिव एनालिसिस पीएच ऑफ 8 to 10 इज नीडेड फॉर प्रेसिपिटेशन ऑफ कटायंस ऑफ थर्ड ए ग्रुप। थर्ड ए ग्रुप के कैटायंस को अगर आप प्रेसिपिटेट करना चाहते हो तो पीएच 8 से लेके 10 के रेंज में होना चाहिए। तो दैट इज कंट्रोल्ड बाय यूजिंग द बेसिक बफर ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग NH4OH एंड NH4Cl। सो याद रखें, इन क्वालिटेटिव एनालिसिस, इन क्वालिटेटिव एनालिसिस द प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन ऑफ ग्रुप थर्ड ए कैटायंस इज डन बिटवीन द पीएच रेंज ऑफ 8 to 10 एंड दिस पीएच इज मेंटेन बाय यूजिंग बेसिक बफर। सो दिस पीएच इज मेंटेन बाय यूजिंग बेसिक बफर। और ये बेसिक बफर कौन सा है? मिक्सचर ऑफ NH4OH एंड NH4Cl। सो दीज आर सम ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ बफर सॉल्यूशन।